जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यह वीडियो खास होने वाली है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इस बार बीएड सेकंड सेमेस्टर में है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए। आई होप कि पेपर अच्छा गया होगा और रिजल्ट भी बेहतर आएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर की ये पहली क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम आपके थर्ड सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस देखेंगे और आगे कैसे पढ़ना है इसकी स्ट्रैटेजी तय करेंगे। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पे। राइट, अगर आप थोड़े से सिलेबस को देखेंगे तो ये सेमेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बीएड का जो मेन दो सब्जेक्ट जो आपके टीचिंग पैडागॉजी होती है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है, आपके ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम से आपने किया होता है, उन दो सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है जो आपके लखनऊ सेकेंड सेमेस्टर का पेपर वन और पेपर टू होता है। सब्जेक्ट नॉलेज एंड पैडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पेपर वन, सब्जेक्ट नॉलेज एंड पैडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पेपर टू। सो आई होप मेक श्योर हो जाए कि आपका दो सब्जेक्ट कौन है। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ख़ास तौर पे प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा कि आपका पेपर वन कौन सा है और पेपर टू कौन सा है, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर में, ताकि उस सब्जेक्ट की भी तैयारी जल्द शुरू की जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर वन मैथ, पेपर टू फिजिकल साइंस, या पेपर वन बायोलॉजिकल साइंस, पेपर टू फिजिकल साइंस, या लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होती है और सिविक्स हिस्ट्री जियोग्राफी पेपर टू में होता है। जो भी हो, आप एक बार मेक श्योर हो जाइए कि आपका ग्रेजुएशन में क्या है, और ये जो दोनों सब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। मैथ का मैथ होगा, साइंस का साइंस होगा, इस तरीके से होगा। तो मेक श्योर कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज और मतलब पेडागॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा है, आप एक बार मेक श्योर कर लें ये दो सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट जो सबके लिए कॉमन है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा, स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन, मतलब विद्यालय प्रबंधन और हाइजीन के बारे में आपका फोर्थ सब्जेक्ट है। तो ये हो गया काफ़ी अच्छा। पांचवा सब्जेक्ट दोस्तों ऑप्शनल है, तो जो आपका कॉलेज आपको अलॉट करे आपको वो पढ़ना होता है। राइट, तो ये हो गई एक शॉर्ट समरी आपके सिलेबस की। यहाँ तक आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि पेपर वन आपका कौन सा है और पेपर टू आपका कौन सा है। अब आइए चलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासेस शुरू करेंगे और कम से कम 3 यूनिट उसकी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। आइए ज़रा चलते हैं आपके सिलेबस के इस थर्ड सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, आपका जो बीएड का सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा, आपको पता होगा कि ये टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड है। तो आइए ज़रा देखते हैं यूनिट 1 आपसे क्या कहता है और इसमें आपको क्या पढ़ना है। हम जो पढ़ाई करेंगे दोस्तों, मेरे पास समावेशी शिक्षा की ये अग्रवाल पब्लिकेशंस की बुक है, द फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑल दो ये बीएड DDU के लिए बनाया गया है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, बट सिमिलर कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है वो इस बुक में अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास आपकी जो फेमस सीरीज होती है, जो गाइड होती है जिससे आप पढ़ते हैं, वो भी मेरे पास है। तो इन दो के समंजस से, इन दो के कॉपरेशन से, जो भी आपका टॉपिक सिलेबस का होगा उसकी वीडियो आप तक बनाई जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, और भी मैं लाइब्रेरी जाके इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो मैं इजी लैंग्वेज में आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यूनिट 1 क्या है। भाई यूनिट 1 देखिए, हर एक सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 होता है ना, वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी किताब का नाम है, तो इसमें आपको पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है समावेशी शिक्षा का। अब आपसे एक और सवाल पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़ना है। अब आइए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जी हाँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब इसके ऐतिहासिक क्या परिप्रेक्ष्य रहे हैं, जिन बच्चों को कुछ नीड्स स्पेशल जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे पढ़ाना, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको देखनी है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ तक एक सवाल, एक ही वीडियो बनाई जाएगी। ये जो पूरा संपूर्ण आप देख रहे हैं, एक वीडियो इस प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, उसके महत्व, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएँ, ये कंप्लीट टॉपिक एक
तो इससे एक सवाल जरूर आएगा, तो एक वीडियो में ये कंप्लीट आपका यहाँ पे बना दिया जाएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यहाँ पे जो दो पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमारे संविधान में इसकी क्या क्या मान्यताएं दी गई है, इसके लिए क्या प्रोविजन तैयार की गई है। पहला तो PWD एक्ट, PWAD मतलब पीपल विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, 1992, और RTA 2009, और RTA राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये जो अधिनियम दो बनाए गए हैं इसके बारे में आपको जानना है कि PWD एक्ट क्या कहता है और RTA 2009 क्या कहता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इसके बारे में आपको पढ़ना है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ऑल दो 2009 की जो RTA एक्ट है उसकी ये वीडियो बन चुकी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं दोबारा से बना दूंगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे जो तीन मुख्य सवाल हैं दोस्तों, मैं तीन नहीं चार आपको, चलो तीन मुख्य सवाल बताता हूँ। पहला, समावेशी शिक्षा की अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा, अवधारणा, और विशेष शिक्षा से यानी कि स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे अंतर है उसको बताना है। दूसरा दोस्तों, PWD एक्ट 1995, कहीं 1995 भी लिखा होता है, और RTA 2009, ये तीन सवाल हैं। इन्हीं तीन सवालों से एक आपका सवाल कन्फर्म आएगा, यूँ लिख के रख लीजिए। चलिए दूसरे यूनिट की बात करें, दूसरा यूनिट ऐसा है बच्चों, थोड़ा सा आपको थीरी देखना पड़ेगा, ऑल दो आप उसको जानते हैं। क्या है भाई, सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन, मीनिंग ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन। आपको बताना है कि सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन कौन है, और सुविधात्मक, जिससे थोड़ी सी सामाजिक तौर पे कम सुविधाएं मिली हैं हमारे पास्ट में, ऐसे कौन कौन से लोग हैं और किसको कहते हैं, क्या कमियां रही और क्या इनके साथ भेदभाव हुआ, इसके बारे में आपको जानना है। और एक सवाल आपसे पूछ लेता है, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी गर्ल्स एंड सब, इसके बारे में पूछ लेगा कि ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, आप अनुसूचित जनजाति से क्या समझते हैं इसके बारे में व्याख्या करिए, या फिर अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं, माइनॉरिटी से आप क्या समझते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए, इस पर टिप्पणी करिए। तो ये भी सवाल आपसे पूछ देता है। तो सेकेंड यूनिट आपका यही है, सेकेंड यूनिट का दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर, कास्ट, माइनॉरिटी, फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज, जो भेदभाव हुए हैं कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, या फिर माइनॉरिटी के नाम पे, तो इसकी क्या डिसएडवांटेज रही है, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको उल्लेख करना है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो जनरली हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ कैसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। देखो अतीत कुछ और था, वर्तमान ये है कि अतीत भी यही था, लेकिन वर्तमान तो वास्तव में वास्तविकता यही है कि हम सब एक हैं, चाहे कोई किसी वर्ग से बिलोंग करता हो, हम सब हैं तो एक ही। चलिए, प्रॉब्लम ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जो सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, जैसे जनजाति, जैसे मान लीजिए आदिवासी समाज, उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं अभी भी। अगर अपने देश में ऐसी कोई जगह है जहां पे सड़क नहीं पहुंच पा रही है, अभी भी ऐसी कोई जगह है जिनको पानी भरने के लिए कुएं या तालाब में जाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए क्या है भाई, चिंता का विषय है। तो जो सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है उसके बारे में आपको, उनकी क्या समस्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सो थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ क्या, चलिए आप कहते हैं तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए हाँ, थर्ड यूनिट के बारे में देख लेते हैं भाई, थर्ड यूनिट हमें क्या पढ़ना है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यूँ समझ लीजिए, आपने सुना होगा CTET में भी कई सवाल पूछे जाते हैं कि कुछ बच्चे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इस तरीके के बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने और समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो ये उस प्रकार के बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी स्पेशल नीड्स चाहिए, वास्तव में इनको ही हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड, कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं मतलब क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चला कह लीजिए या फिर क्रिएटिव कह लीजिए, संज्ञानात्मक विकास उनका कुछ अच्छा, तो इस तरीके के बच्चों का कैसे पहचान करना है, इनके साथ कैसे बर्ताव करना है, इनको कैसे पढ़ाना है, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके साथ कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि उनकी कॉन्सेप्ट, उनकी मीनिंग और उनकी क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, और पढ़ते जा रहा था। अब मुझे क्या करना है कि एक समरी बना के, एक अच्छा सा शॉर्ट्स नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करना है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं डेफिनेटली करूँगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, वैसे भी आप तो लखनऊ में हैं ही, लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसेबिलिटीज़, तो कितने टाइप के डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनके कारण क्या है,
उनकी पहचान कैसे की जाएगी और एजुकेशन नीड क्या होती है, शिक्षात्मक ज़रूरत क्या है ऐसे बच्चों की, मेंटल डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिफिसी और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इस तरीके के बच्चों का क्या विशेषताएं होती हैं, किस कारण से ये होता है और उनको शिक्षा में किस तरीके से, और आपको एजुकेशन नीड आपको प्रोवाइड करना है, उनकी क्या एजुकेशन नीड होती है और आप क्या उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरा बटन टूट गया क्या, चलो यूनिट 4 की बात कर लेते हैं एंड दिस इज गोना बी द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। अच्छा लगेगा आगे जब हम पढ़ाई करेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इन क्लासरूम, इंक्लूसिव प्रैक्टिस, जो क्लासरूम में समावेशी शिक्षा दी जाती है उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, पैडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, जो पैडागोजी बनाना है उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव मतलब बच्चों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करा के कैसे पढ़ाना है, स्ट्रेटेजी, पीयर ट्यूरिंग, सोशल लर्निंग एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो ये वो टॉपिक है जो इसमें दिए गए हैं, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक नहीं है, मतलब समझने वाली बात है, मैं आपको डेफिनेशन इसका अर्थ बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सपोर्टिव सर्विस अवेलेबल इन स्कूल फैसिलिटेटेड इंक्लूसिव स्पेस। अब जैसे जो कुछ फैसिलिटीज स्कूल्स में अवेलेबल होनी चाहिए, क्या भाई, स्पेशल टीचर होने चाहिए, जैसे जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं या फिर दृश्य बाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर आपके पास होने चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट जो बात करके कोई मसला को हल कर दे, कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो बात करके भी समझा दे, तो क्या है भाई, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब ना जो शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर। तो इसके बारे में, ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये क्या सहायता करते हैं एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। दोस्तों मैं आपको बस ये सिलेबस इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा लगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और अभी तक आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, समझ में आ रही बात, सब्जेक्ट में क्या आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, मज़ा आ जाए सब्जेक्ट पढ़ने में, और ये विषय ऐसा ही है, ये जो विषय है ना इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये ऐसा ही सब्जेक्ट है जो कि मज़ा आ जाएगा, मतलब कोई थियरी ऐसा नहीं कि हमें रटना है, ऐसा कोई डेफिनेशन, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो बस एक काम करिएगा, अगर आप साथ नहीं जुड़े हैं तो साथ बने रहिएगा और साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा, हम सब मिल के इसकी पढ़ाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ वीडियोस में इसके जो मेन, जैसे एक वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन को देखेंगे, दूसरे में PWD एक्ट को देखेंगे, पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, एक वीडियो में RTE एक्ट 2009 को देख लेंगे, इस तरीके से हम एक एक वीडियो में जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसको देखते हुए चलेंगे और आपकी सिलेबस की तैयारी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करिए, जो आपका दो मेन पैडागॉजी सब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट में दे दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज़ लखनऊ विश्वविद्यालय के BEd और MEd के अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ उससे ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े ही बच्चे हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं, बहुत सपोर्टिव बच्चे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप से जुड़े बच्चों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जुड़े रहते हैं और शांति बनाए रखते हैं, अनावश्यक कोई मैसेजेस नहीं होता है, इसके लिए आप भी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों पढ़ाई को शुरू करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पहले यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, समावेशी शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य, और समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, एक खास रिक्वेस्ट जो वीडियो क्लास में करता हूँ, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए, उनको भी जोड़िए, उनको भी बुलाइए, उनको भी कहिए कि आइए पढ़िए, क्योंकि दोस्तों पेपर कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है, कम से कम आप वीडियो देखते रहेंगे तो समझ में तो आएगा कि हाँ चलो ये टॉपिक हमने देख रखा है, समझ रखा है, हम जरूर इसको जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में दो सब्जेक्ट का नाम बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।